Good morning students, how are you all? I hope you all are fine and stay home at your home, okay? So today we are continue our chapter, okay? We will do some new words and some exercises, okay? देखिए first देखिए new words में क्या है? Dog, D O G, dog, D O G, dog, dog मतलब आपके पास, आपको पता है डॉग माने कुत्ता, डॉग माने आपका एक एनिमल, जो पेट एनिमल होता है उसको भी कहते हैं डॉग कहते हैं, है ना। तो उस पे एक सेंटेंस देखिए क्या बनेगा, दिस इज माय पेट डॉग आ गया इसमें, इस सेंटेंस में डॉग आ गया एक वर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एच ओ डब्ल्यू, हाउ, एच ओ डब्ल्यू, हाउ, हाउ मीन्स कैसा, यानी आप किसी से मिलते हैं, जब आप उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं, तो उसको देखिए एक सेंटेंस देखिए उसके बारे में, हाउ आर यू टुडे, हाउ आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, आज आप कैसे हैं, हाउ आर यू टुडे। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए एम ई टी, मेट, एम ई टी, मेट, मेट माने किसी से मिलना, हम किसी से मिलते हैं जब उसको क्या कहते हैं, मेट, ओके। उस पे एक अब सेंटेंस देखिए, आई मेट माय फ्रेंड यस्टरडे, इसमें मेट आ गया, यानी मैं कल अपने एक फ्रेंड से, एक दोस्त से मिला था। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए ट्राई, ट्राई माने कोशिश करना, जैसे पोयम में उस बॉय ने, या फिर आप अपने घर पे अपनी बॉडी को ड्राई करने की कोशिश करते हैं पावर टॉवल से, ऐसे उसको क्या कहते हैं, ट्राई करना, कोशिश करना। उस पे एक सेंटेंस देखिए, आई विल ट्राई टू फिनिश माय होमवर्क, यानी मैं अपना होमवर्क करने की पूरी पूरी कोशिश घर पे करता हूँ या करती हूँ, ओके। ये आगे नेक्स्ट वर्ड देखिए टी डब्ल्यू ओ टू, टू यानी दो, जैसे ये दो फिंगर्स हैं, ओके, दो आईज होती है, दो इयर्स होते हैं और दो लेग्स होती हैं, है ना, उसका मतलब टू यानी दो। अब इस पे सेंटेंस देखिए, आई हैव टू लेग्स, यानी मेरे पास टू लेग्स है, मेरे पास दो टांगे है, ठीक है। आगे आप इसको अब लर्न करिए, बाकी हम आगे का नाउ फर्दर जो है हमको जो इतने एग्जाम्पल्स और सम क्वेश्चंस करने हैं, वी आर डू विथ पीपीटी, ओके। देखिए बेटा सम न्यू वर्ड्स आर डी ओ जी, डॉग, डी ओ जी, डॉग, ओके। डॉग एक क्या है, एनिमल होता है ना, डॉग जो पपी होते हैं, डॉग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एच ओ डब्ल्यू, हाउ, ओके। अब देखिए एम ई टी, मेट, मेट माने मिलना, हाउ माने कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टी आर वाई, ट्राई, ट्राई यानी कोशिश करना, ओके। टी डब्ल्यू ओ टू, टू यानी दो, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू, टू नंबर है ना, दो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट्स टॉक, क्वेश्चन नंबर वन देखिए, डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, से वाई, क्या आपको बात करना यानी नहाना अच्छा लगता है, तो बताइए क्यों। यस आई लाइक टू टेक बाथ बिकॉज इट कीप्स मी क्लीन एंड हेल्दी, क्योंकि मेरे को नहाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं उससे एकदम साफ और सुथरा रहता हूँ, एकदम क्लीन हो जाता हूँ नहाने के बाद, आपको अच्छा अच्छा लगता है ना, फ्रेश फ्रेश, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन यू बेथ योर सेल्फ, क्या आप अपने आप नहा लेते हैं, बताइए आप अपने आप नहा लेते हैं। Yes, I can take bath myself. Okay. Next question देखिए, How do you dry yourself? आप अपने आप को किस तरह से सुखाते हैं,
आई ड्राई माई सेल्फ विद अ सॉफ्ट टॉवल. आप अपने आप को एक सॉफ्ट टॉवल से सुखाते हैं, है ना. आपका जो टॉवल सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इट सेल्फ. आपने कभी एनिमल को अपने आप को सुखाते हुए देखा है? देखा है आपने कभी? जैसे मैंने डॉग को, डॉग का आपको बताया था ना पोएम में. यस, आई हैव सीन अ डॉग ड्राइंग इट सेल्फ. डॉग को जो है अपने आप को सुखाते हुए देखा है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट शेयर. देखिए अब क्या करेंगे इसमें. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, पुट अ सर्कल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ. आप नहाने के बाद क्या करते हैं उस पर आप सर्कल करेंगे, ठीक है. आपके पास में दो ऑप्शन है, एक ये वाला एक ये वाला. अब इसको रीड करते हैं, देखिए क्या आएगा इसमें. थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर. आप नहाने के बाद में अपने टॉवल को ज़मीन पे फेंक देते हैं, गीले टॉवल को. या फिर आप हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई, या फिर उस टॉवल को इस तरह से हवा में सुखाने के लिए रख देते हैं. बताइए आप क्या करते हैं, नीचे ज़मीन पे छोड़ते हैं या सुखाते हैं? आप क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं. तो इसको ऐसे सर्कल कर देंगे, ठीक है, इस पर आप सर्कल कर देंगे. ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू वेयर दिस थिंग्स. डू यू वेयर दिस थिंग्स. आप ये सब पहनते हैं. ओके, ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड. आपको ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनको इससे मैच करके क्या करना है, इनको लाइन से मैच करना है. ओके, क्या चीज़, कौन सी स्पेलिंग कौन से पिक्चर से मिलती है, ठीक है. देखिए कैसे करेंगे, ये क्या है, ट्राउज़र. इसमें सर्च करिए ट्राउज़र कहाँ है, कौन सा है ट्राउज़र, ये रहा. कौन सा है ट्राउज़र, ये रहा. तो अब हम इसको ट्राउज़र को इससे मैच कर देंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, शूज़. ये क्या है, शूज़. यहाँ पे शूज़, ये रे, SHOES, शूज़. शूज़ को शूज़ से मैच कर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, शर्ट. यहाँ पे ये री शर्ट, SHIRT, शर्ट, ठीक है. ये इसको इससे मैच कर देंगे. ये क्या है, सॉक्स. आप स्कूल जाते जब पहनते थे ना, SOCKS, सॉक्स. इसको इससे मैच कर देंगे. अब नेक्स्ट क्या है, कैप. CAP, कैप. कैप को कैप से मैच कर देंगे, ठीक है. ये क्या है, बेल्ट. BELT, बेल्ट. बेल्ट को बेल्ट से मैच कर देंगे. बेटा ये जो छोटी छोटी जो स्पेलिंग्स है ना, आप इनको साथ के साथ लर्न करते रहा करिए, जिससे आपको समझने में और कोई दिक्कत नहीं आएगी. आपको जल्दी जल्दी जो है वर्ड्स जो है समझ में आ जाएंगे. इसे देखिए, बहुत छोटा सा वर्ड है, CAP, कैप. ये आप UKG से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ये बेल्ट हो गया, शूज़ हो गया, सॉक्स हो गया, शर्ट हो गया. ये सब छोटे छोटे 3 या 4 वर्ड 4 लेटर्स के वर्ड हैं. तो आप इनको याद करते रहिए, साथ के साथ आपको स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी. ये ट्राउज़र थोड़ा सा बड़ा है, आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको लर्न आराम से हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट्स डू. हमको अब इसमें क्या करना है, देखिए, मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू. क्या करा हुआ है हमारे लिए, ये निडल है एक, और ये क्या है, थ्रेड. ये सुई है और ये धागा. सुई को क्या बोलते हैं, निडल. धागे को क्या बोलते हैं, थ्रेड. तो सुई और धागा, मामा आपकी ड्रेस सिलती है ना, कुछ भी आप अपने क्लोथ्स, कुछ भी टियर फाड़ लेते हैं, टियर कर लेते हैं, तो उसको मामा करते हैं ना, तो वो क्या होती है, सुई और धागा. तो ये क्या है, निडल, और ये क्या है, थ्रेड. तो निडल को थ्रेड से मैच करा हुआ है. ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, बैट. BAT, बैट. ये तो आप खेलते हैं, अभी आप लॉकडाउन के जो आपके जो हॉलीडेज चल रहे हैं, इसमें तो आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं इन चीज़ों से, बैट से. तो बैट का जो वो क्या है, फ्रेंड क्या है बैट का,
किसके साथ खेलता है? बैट और बॉल। बैट और बॉल को ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है? ये दोनों फ्रेंड्स हैं ना आपस में, बैट एंड बॉल। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, ये सॉक्स क्या है? सॉक्स, सॉक्स पहनते हैं हम, तो उसके ऊपर क्या पहनते हैं? शूज़। क्या पहनते हैं? शूज़। तो ये दोनों पेयर हो गए, सॉक्स और शूज़, इनको इससे मैच कर दिया। अच्छा, अब ये नेक्स्ट देखिए, शर्ट। शर्ट और ये क्या है? शॉर्ट्स। ये शर्ट आप ऊपर पहनते हैं, शॉर्ट्स आप नीचे पहनते हैं, तो इसको शॉर्ट और शर्ट को मैच कर दिया, ये एक पेयर बन गया, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? बाउल। बाउल अब आप लेंगे तो उसको खाली कैसे लेंगे, खाएंगे कैसे? उसके लिए आपको किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी? उसके कंपेनियन, उसके एक पेयर की, जो उसकी हेल्प करता है, यानी स्पून, फीड करने में हेल्प करता है। बाउल और स्पून का एक पेयर बन गया, ठीक है? समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए, लेट्स ड्रॉ। ये आपकी एक एक्टिविटी है, ठीक है? देखिए, ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड। आपको यहाँ पे अपने एक खुद की और अपने फ्रेंड की जो है पिक्चर लेनी है, देन कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड से देम अलाउड। ओके, तो आपको क्या करना है इसमें? यहाँ पे जो है अपनी पिक्चर लगानी है, फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड की लगानी है। जैसे ये देखिए, ये दोनों गर्ल्स हैं, ये एक आप हो गए, ये एक आपकी फ्रेंड हो गई, या फिर यहाँ पे कोई बॉय हो जाएगा, फिर उसका यहाँ पे बॉय फ्रेंड हो जाए, बॉय जो है बॉय का बॉय भी हो सकता है फ्रेंड, और गर्ल का गर्ल भी फ्रेंड हो सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गर्ल का आपका कोई गर्ल ही फ्रेंड होए, है ना? गर्ल का बॉय भी फ्रेंड हो सकता है और बॉय का गर्ल भी फ्रेंड हो सकता है। आप क्लास में भी सब फ्रेंड्स होते हैं ना, बहुत सारे, है ना? तो इसमें आप जो आपको, जो आपका फ्रेंड है, उसकी आप फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? माय नेम इज़, आपका क्या नाम है, और यहाँ पे आप लिखेंगे माय फ्रेंड नेम इज़, आपके दोस्त का नाम लिखेंगे। ओके, मी और माय फ्रेंड, मैं और मेरा फ्रेंड, ठीक है? यहाँ पे आप ऐसे करेंगे और फिर उसको लाउडली बोलेंगे उस सेंटेंस को, माय नेम इज़ डैश, जो भी आप अपना नाम लिखेंगे, और माय फ्रेंड नेम इज़ डैश, जो भी आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है? ये आपकी एक एक्टिविटी है। देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, ट्रेस द पाथ ऑफ फ्लावर्स। ये बटरफ्लाई है एक, इसको जो है बहुत सारी बटरफ्लाई हैं, इनको ये सारे फ्लावर्स के पास में जाना है, ठीक है? तो आप इसके जो डॉट डॉट हैं, इनको सबको आप ट्रेस करेंगे ये सारे, और इनको इससे मैच कर देंगे, इनके पास पहुंचा देंगे, ठीक है? ये सारा आपको करना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए, लर्न एंड राइट। ओके, लर्न एंड राइट, यहाँ पे आप ये क्या है? ई, स्मॉल ई, UKG में किया है ना आपने, और ये क्या है? F, ठीक है? तो इसको, इस पर आपको ट्रेसिंग करना है बुक के अंदर ही, और एक फिश में भी ऐसे ट्रेस करना है zigzag, ठीक है? और ये फिश के अंदर कलर करना है, ठीक है? उसकी ये वेव्स बन जाएंगी, इन वेव्स में भी पेंसिल से ट्रेस करना है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ये यू है, वी, डब्ल्यू, इनको आपको ट्रेस करना है और लाउडली बोलना है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? आपको ये सब लाउडली बोलना है और अच्छे अच्छे नाइसली सुंदर सुंदर जो है अपनी बुक में वर्क करना है, ठीक है? ओके, गुड बाय।